देखिए उनका समय पूरा हो चुका, वो जा चुके हैं, अभी तक माइक पे थे, अब गुजर चुके हैं। मेरी आत्मा को शांति मिल रही है थोड़ी देर के लिए, और अब चाहती हूँ एक अपने शुद्ध गीत गजल और काव्य पाठ से आपको जोड़ू। बहुत मोहब्बत मिली आपकी, बहुत प्रेम और स्नेह मिला। बात ये हो रही थी दरअसल कि इस आंगन में जब से मैं आई, सबकी प्रेम भरी नजर, खासतौर पर कमल जी की प्रेम भरी नजर से मुझे जिस तरह का असर हुआ, जिस तरह की मोहब्बत मिली, एक पैरोडी लिखने की छोटी सी कोशिश की, उसका कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो उसको पूरा अवश्य करूंगी और दोबारा आकर के पढ़ूंगी। अभी उसका कुछ अंश केवल आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ और आप सबकी मोहब्बत को देखना चाहती हूँ, सुनिएगा। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, जानते हो ये गीत आपके दिल तक बहुत पहुंचा हुआ है, आपकी तालियों की ताल मिले इस पे। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा गया। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा गया। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा गया। मिलके मैं मुस्कुराई मजा गया। तेरा प्यारा शहर, तेरा प्यारा शहर ले गया दिल जिगर, मैं यहाँ जब से आई मजा गया। मैं यहाँ जब से आई मजा गया। तेरी पहली नजर, बहुत आपका साथ मिला और अब उम्मीद करती हूँ कि इस गीत को घर जाके पूरा लिखूंगी। इसकी शुरुआत जब इस आंगन से हुई है तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा, इस उम्मीद से इस गीत को घर जाके पूरा करूंगी। अब मैं आपके मन की बात कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात इसलिए कहना चाहती हूँ, नारी शक्ति काफी देर से इतनी ठंड में भी हमारे साथ बैठी हुई है, आप लोग भी बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं नैनीताल की इस बेटी को। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ आपको ये समझाने की कि जब भी मंच पे कोई इंसान आता है तो वो अपने उत्साह के लिए आपकी तालियों को क्यों मांगता है। अगर आपको लगे कि एक सच्ची अच्छी मौलिक बात मैंने इस मंच से कह दी हो, एक भी हाथ खामोश ना रहे, पीछे तक सबका आशीर्वाद मिले, मंच पे भी सबका आशीर्वाद मिले, नारी शक्ति उपस्थित है, उनको नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, संभालिएगा, सुनिए। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। उम्मीद थी कि दूसरी पंक्ति पे सबकी तालियां आएंगी, लेकिन शायद ये खुशबू आप तक नहीं पहुंची, इसलिए दोबारा पढ़ती हूँ और ये मौका माता आप चुकेगा। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी नृत्य प्रस्तुति थी आपकी, और इसके लिए भी आपको सम्मानित करेंगे प्रदीप जी। जी एकल नृत्य के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत मिल रही है और इसी बात पे मैं चार पंक्ति आप सबके सम्मान में कहना चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत मिले। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, जिस तरह से अपने नैनीताल की मोहब्बत को आपके बीच मैंने परोसा, जब यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी आपकी मोहब्बत को किस तरह से गुनगुनाऊंगी, सुनिएगा। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, वो दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। वो दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। मोहब्बत की वो बातें याद है अटके लिया मुझको, चौथी पंक्ति को दिल से संभालिएगा। मोहब्बत की वो बातें याद है अटके लिया मुझको, हमारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा।
मनाना याद आएगा। आज एक बहुत खास दिन है, उस दिन की सबसे पहले आप सभी को बधाई देती हूँ और बहुत मन से चार नई पंक्तियां लिख के लाई हूँ मैं आदरणीय के सम्मान में, जिनके सम्मान में आप सभी यहाँ इतनी ठंड में इतनी देर रात तक उपस्थित हैं और हम सबको झेल रहे हैं। इसलिए उम्मीद करती हूँ इन चार पंक्तियों पे जो मेरे मन से लिखी हुई है, जो मेरे दिल से लिखी हुई है और आज ही मैंने लिखी है, इस पे आप सबकी मोहब्बत मिलेगी। आदरणीय के सम्मान में आप सबकी तालियां उठे पढ़ना चाहती हूँ। नई पंक्तियां हैं इसलिए देखने की जरूरत पड़ेगी, जितने लोग अभी निकलना चाहते हैं निकल जाइए क्योंकि बहुत खास पंक्तियां हैं और एक किरदार को आपके बीच में सम्मानित कराना चाहती हूँ आपके तालों से, अपने शब्दों से, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कमल के फूल से ज्यादा तो कोई गुल नहीं खिलता, मोहब्बत मिले आपकी जी, आप जा रहे हैं जाइए, कमल दद्दू जी भी आ चुके हैं, पहले आप आ जाइए मैं फिर प्रारंभ करती हूँ जी आप।